एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट्स 134 सीटों के नतीजे आए, 75 पर आप, 54 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस जीती। केरल, अदानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन खत्म। इस परियोजना को लेकर विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों ने सीएम पिनरई विजयन के साथ आज हुई अंतिम चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। गौरतलब है कि मछुआरे निर्माण के दौरान तटीय भूमि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए समुद्र के कटाव के लिए पुनर्वास और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने भी सैकड़ों मछुआरों ने विरोध में राज्य की राजधानी में एक विशाल रैली निकाली थी और वाम सरकार पर उनकी मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। पुणे, क्रिकेट लीग में फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगे 55 लाख रुपए, पुणे के कारोबारी को लगाया चूना। भारतीय सेना, लेफ्टिनेंट जनरल केसी पंचनाथन का शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने से निधन। गृह मंत्रालय, सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग मजबूत करेंगे भारत बांग्लादेश, बैठक में बनी सहमति। सीमा विवाद, महाराष्ट्र रोडवेज ने कर्नाटक जाने वाली बसें बंद की, सीमा विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट जारी। तमिलनाडु, अंबेडकर का भगवा पोस्ट लगा रहा था हिंदू संगठन का नेता, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आंध्र सरकार के पास धन की किल्लत, स्कूलों के जीर्णोद्धार की जगन सरकार की अहम योजना ठप। आंध्र प्रदेश, रेलवे कर्मचारियों का सराहनीय कार्य, दुवाड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय एक महिला यात्री डिब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, आखिरकार कर्मचारियों ने पीएफ कोपिंग तोड़कर उसे जिंदा बचा लिया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। Thank you.